नमस्कार, मैं राशि गौर, आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड फंक्शुई एक्सपर्ट, सिंप्लीफाइंग वैदिक नॉलेज फॉर यू। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऑन मैथोलॉजी सीरीज, ये एक्चुअली नौ देवियों के बारे में है। माँ दुर्गा माना जाता है अलग अलग रूपों में आती हैं अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करने के लिए। ये जो नवरात्रि का त्यौहार है ये दर्शाता है माँ दुर्गा के उन नौ रूपों का जो अलग अलग शक्तियाँ हमारे लिए लेके आते हैं। तो जब हम इन नौ रूपों की उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अच्छे से नवरात्रि मनाते हैं, तो माँ दुर्गा की दी हुई शक्तियों का अच्छा फल हमें भी मिलता है। तो शुरू करते हैं श्रृंखला को, जुड़े रहिए मेरे साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियोज एंड लेट्स कंटिन्यू। नवरात्रि माइथोलॉजी सीरीज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं नवरात्रि डे टू के बारे में, और माँ दुर्गा के जिस रूप की हम उपासना या प्रार्थना दूसरे दिन करते हैं वो कहलाती है ब्रह्मचारिणी देवी। ब्रह्मचारिणी देवी मतलब तपस्या करने वाली, तप करने वाली। ये नाम इनका क्यों पड़ा? माना जाता है कि जब शैलपुत्री देवी ने दोबारा जन्म लिया, पहले जन्म में वो सती थी जिनका विवाह शंकर भगवान के साथ हुआ था, पर उन्होंने यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी। दूसरा जन्म जब उनका हुआ शैलपुत्री देवी की नाम से, तब उनको अपने पहले जन्म के बारे में नहीं पता था, पर उनको ये पता था कि उन्होंने अपना विवाह शंकर भगवान के साथ करना है। शंकर भगवान से विवाह करने के लिए उन्होंने हजारों साल के तप किए। ऐसा तप कभी किसी ने किया भी नहीं था, और ये तपस्या फाइनली रिजल्ट्स लेके आई और शंकर भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। इनकी जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये माना जाता है कि हमारे लाइफ में रिजॉल्व आता है, डिटर्मिनेशन आता है, हम अपने कार्य पूरे करने के लिए सक्षम होते हैं। कोई भी संघर्ष है, कितने भी संघर्ष हैं, तो जो हमारे एम्स हैं, हमारे एम्बिशंस हैं, हम उनसे हटते नहीं, उन पर डटे रहते हैं जब तक हम अपने एम्बिशंस और एम्स को पूरा नहीं कर लेते। So, ब्रह्मचारिणी देवी gives us the strength that we require. इनकी पूजा करने से हमको बहुत ज़्यादा determination मिलती है, focus मिलता है, यहाँ तक कि कोई भी समस्या आए और कष्ट हमारे लाइफ में आए तो वो भी दूर हो जाते हैं। तो है ना कितनी अच्छी बात। Enjoy your day two of Navratri, अच्छे से पूजा करें, माँ दुर्गा का जाप ज़रूर करें, देसी घी का दिया जलाएं, and online you can find any mantras फॉर ब्रह्मचारिणी देवी। चाहे आप बीच मंत्र रिसाइट कर ले, चाहे उनका कोई भी सिंपल मंत्र रिसाइट कर ले, 108 बार रिसाइट करें एंड एंजॉय योर नवरात्रीज। विश यू अ वेरी हैप्पी नवरात्रि।